आ रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमण के बीच में राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं पीलिया के मरीज। 652 हुए हैं पीलिया पीड़ितों की संख्या। पीलिया की रोकथाम के लिए अब तक परीक्षण के लिए राजधानी में 144 सत्र हुए हैं। अब तक 14,562 घरों में जांच हुई। 2,237 लोगों का कराया गया ब्लड टेस्ट। इसमें 427 वायरस हेपेटाइटिस मरीज मिले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे फोन लाइन पे लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, कोरोना से ज्यादा मरीज पीलिया के हैं, प्रशासन लगातार इसको लेकर के कार्रवाई कर रहा है। पिछले दफे भी आपने हमें अपडेट दिया था कि प्रशासन कार्रवाई को लेकर अग्रसर है, क्या अपडेट इस पर मिल रहा है? जी बिल्कुल, पीलिया के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल भी बाहर का खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसा माना भी जाता है कि पीलिया जो है वो गंदे पानी से नहीं बल्कि कुछ दूषित खाने की वजह से भी होता है, लेकिन यहाँ पे दूषित खाना ही नहीं मिल रहा है, तो अब गंदे पानी जो है वही है संक्रमण का असली कारण। और दूसरी चीज है कि 652 हो चुकी है पीलिया पीड़ितों की संख्या, जो काफी गंभीर है। और जहाँ 10 नए मरीज राजधानी में कोरोना के जहाँ 10 नए मरीज मिलते हैं, तो वही जो पीलिया के जो है वो 652 पहुंच जाती है पीड़ितों की संख्या। तो इस तरीके से जो पीलिया मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें जो लक्षण है, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि यदि उनके पास वो नहीं पहुंच पाते हैं तो पीलिया के लक्षण जैसे कि आंखों में पीलापन होना, कमजोरी लगना, इस तरीके से जो लक्षण नजर आते हैं, अगर आपको नजर आते हैं तो आप स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के जल्दी से जांच कराएं। इस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है उनके तरफ से भी निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी जो है उनमें स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी लगातार व्यस्त है, क्योंकि इधर पीलिया के मरीजों की जांच की जा रही है तो वही कोरोना मरीजों की जांच की जा रही है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के भी जो पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि पीलिया का इलाज करना हो और एक एक मरीजों की जांच करना, फिर इधर कोरोना के मरीजों की जो टेस्ट है उसके बाद कोरोना के मरीजों की जो व्यवस्था है वो भी करना। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया।